तन फाइन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों जिंदगी में खुश रहना बहुत बड़ी बात है लेकिन उस खुशी को कई बार गायब कर देते हैं हमारी शारीरिक बीमारियां जिसमें से अहम भूमिका निभाती है यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है वो है मोटापा आए दिन हम सुनते रहते हैं इसको मोटापे का प्रॉब्लम है इसको मोटापे का प्रॉब्लम है तो कैसे इस मोटापा रूपी इस जो समस्या है इसका समाधान कैसे किया जाए क्या क्या प्रिवेंशंस व प्रिकॉशंस लें उस बारे में आज हम इस कड़ी में बात करेंगे तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का जो कि समाधान देने के लिए आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ओम शांति नमस्कार डॉक्टर जी डॉक्टर साहब पिछले कड़ी में हमने बात की थी मोटापे को लेके और जिसमें हमने जाना था उसके मोटापे के रिजन क्या हैं आज हम जानना चाहेंगे मोटापा एक बार हो जाए हमें तो उसके किस प्रकार के कॉम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं हमें कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं मोटापे की मोटापा अपने आप में एक बीमारी तो है ही जी क्योंकि तो अगर आपको मोटापा हो जाता है आप उबीज हो जाते हैं और हम प्रॉपर मेजर ना लें इसको ठीक करने की तो हमें डायबिटीज सबसे बड़ी टाइप टू डायबिटीज होने के बहुत अधिक चांस होते हैं ये देखना है पुरुषों में ओबिसिटी होने के बाद सात गुना डायबिटीज बढ़ जाती है सपोज़ अच्छा। आपकी 30 से ज़्यादा हो गया जी। तो अगर आपको पच्चीस पे था उसके कंपेरिजन में अगर तो सात गुना अधिक चांस है डायबिटीज होने का और बी एम हुआ तो और बीस परसेंट चांस बढ़ गया और 32 हो गया तो और 20 परसेंट चांस बढ़ गया 33 हो गया तो और 20 परसेंट चांस बढ़ गया राइट दैट मीन्स डायबिटीज की ओबेसिटी शुरू हुई आपके हारमोन चेंजेस ऐसे इस से होते हैं बॉडी में सिस्टम ऐसे बदलता है कि डायबिटीज कितने गुना अधिक मेल्स में पुरुषों में और बहनों में तो और ज़्यादा खराब है फीमेल्स में उनको बारह गुना अधिक चांस है डायबिटीज हो जाने का और डायबिटीज़ पर अपने में एक बड़ी, बड़ी बहुत बड़ी समस्या है जी, जी। क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान अपने बॉडी पर हैं पहले तो ये बात है ओबेसिटी मोटापा होने के बाद आपको हार्ट डिजीज होने के बहुत अधिक चांस हो जाते हैं क्योंकि जब जब भी मोटापा हाई हमारा वेट बढ़ता है तो हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है और मोटापा इट हमारे हार्ट के लिए क्योंकि हमारा मसल मास भी बढ़ेगा और मोटापे में डायबिटीज भी आई और साथ साथ मोटापे से हाइपरटेंशन भी आता है hmm. मोटापे के जो ओबिसिटी सेल्फ लीड्स टू डायबिटीज एंड आल्सो हाई ब्लड प्रेशर क्योंकि जब हम जैसे मैंने बात की थी ना स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ओबेसिटी तो जब आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा um. तो क्या होगा तो आपका शुगर uh. लेवल भी बढ़ रहा है hmm. तो फिर आपका ये ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है राइट right? क्योंकि रेजिस्टेंस मोटे हो रहे हैं ना आप व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर इज़ नथिंग बट हार्ट कितनी जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर क्या है हा, आपका हार्ट कितने तेजी से सिकुड़ता है खून को बाहर फेंक रहा है कितने प्रेशर से बाहर फेंक रहा है ऊपर mm -hmm. वाला ब्लड प्रेशर है और कितना पेरीफरी से रेजिस्टेंस आ रहा है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है mm -hmm. तो हमें ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है तो उसको हमारी ब्लड वेसल्स कितना रिएक्ट कर रही है mm -hmm. कितना प्रेशर दे रही हैं वापस mm -hmm. रोक रही हैं तो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है जब मोटापे जब आपको मोटे हो गए आपका वेट था मान लीजिए अभी सेवेंटी के था हो गया अस्सी किलो तो क्या हुआ अब दस किलो एक्स्ट्रा हो गया तो उसमें आपको हार्ट को ज़्यादा खून भेजना पड़ रहा है तो हार्ट जोर से सपड़ेगा ऊपर तो वाला ब्लड प्रेशर बढ़ा और क्योंकि बाहर आपका चर्बी बढ़ गई है वेसल्स ब्लड वेसल्स के तो रेजिस्टेंस कर रही है वेसल्स हार्ड हो गई हैं तो नीचे का ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया राइट तो क्या हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपका डायबिटीज़ बढ़ी वेट बढ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ये भी एक साइड ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है कि जब मोटापा बढ़ता है तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन इज़ द मेन थिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस इज मेन थिंग तो आपका हमारा लीवर ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बना रहा है कम और कम मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल एच डी एल बना रहा है तो क्या होगा ये डिस्ट्रिपीडिंग भी हो गया तो अब क्या होता है ये सब मिला कर के हमारे हार्ट अटैक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओबेसिटी okay. होने के बाद लगभग दो से तीन गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू पर्सन आर नॉर्मल वेट जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी हाई और स्ट्रोक आने के चांसेस तीन गुना बढ़ जाते हैं पैरालिसिस का अटैक तो दिमाग में क्लॉट जाएगा तो वो क्लॉट यहाँ से क्लॉट जाएगा क्योंकि आपकी mm -hmm. यहाँ पी कोलेस्ट्रॉल जमाना शुरू हो जाता है गर्दन की आर्टरीज में या हार्ट में mm -hmm. तो हार्ट से भी क्लॉट जा सकता है और वो क्लॉट दिमाग में जाएगा तो दिमाग में लेफ्ट साइड में गया तो राइट साइड की बॉडी पैरलाइज हो जाएगी अगर राइट साइड में गया यहाँ से तो लेफ्ट साइड की बॉडी पैरलाइज हो जाएगी तो हम वो जो कहते हैं ना वेस्कुलर एक्सीडेंट्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस तरह से मेसिक बेसिक कार्डियोवेस्कुल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ तो हुई हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक्स स्ट्रोक हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर को एक बड़ी समस्या है कि हार्ट फेलियर क्योंकि हमारी बॉडी का साइज बढ़ गया है हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा तो हार्ट फेलियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो ये एक हमारा समस्या हो जाती है फिर दूसरी जो प्रॉब्लम वो है किडनी प्रॉब्लम जब आप मुबीज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वेट है तो और प्लस ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज ये सब मिला करके हाई कोलेस्ट्रॉल ये सब मिला करके हमारी किडनी को डैमेज करते हैं तो सब मिला किडनी डैमेज होंगी तो किडनी डैमेज होगी तो क्या होगा तो किडनी डैमेज होगी तो हमारी बहुत धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज हमारी यूरिया किटन बढ़ने लगेगा और फिर धीरे धीरे किडनी खत्म हो जाएगी फिर एक ओबेसिटी जो है ना ओबेसिटी में जो हमारी जो हमारी जो सेल्स हैं हमारी सेल्स क्या है वैसे लीवर की जो सेल्स हैं तो लीवर की सेल्स में फैट बढ़ते जाएगा फैटी लीवर होएगा जी जी और फैटी लीवर होएगा तो क्या होगा हमारा जो बॉडी जो है अब ग्लूकोज़ का यूज़ ना करके फैट को यूज़ करिए हमारा लीवर तो ग्लूकोज हमारा जो फैटी लीवर होने से क्या होता है हमारा जो जो ब्लड वेसल्स खून साफ़ होने के लिए यहाँ पे आती है ना पोर्टल ब्लड वेसल्स हमारे पेट से जो आर्टरीज आती है खून लेकर के अब उन्हें प्रेशर बढ़ जाता है तो पोर्टल हाइपर बढ़ता है तो पेट में पानी भरने लगता है पेट में पानी एसाइटिस होने लगता है पोर्टल हाइपर होने लगता है तिल्ली बढ़ जाती है तो लीवर ख़राब हो जाएगा थी, थी। तो धीरे धीरे दे लीवर बिल्कुल खराब हो जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है hmm. राइट तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम नॉन एल्कोहलिक नैश कहते हैं बहुत कॉमन एन एफ एल डी भी एन एफ एल डी भी कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली आपको लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ तो जाना पड़ेगा शुरुआत कहाँ से हुई थी थोड़ा सा ज़्यादा खाने से थोड़ा स्ट्रेस से थोड़ा गलत लाइफ से और हम कहाँ पहुंच गए लिवर ट्रांसप्लांट पे पहुंच गए फैट अगर फैट हार्ट फेलियर में पहुंच गए स्ट्रोक में पहुंच गए हार्ट अटैक पे पहुंच गए दिस आर लाइफ तो लाइफ लाइफ मतलब मतलब ये तो को रिस्क रिस्क एकदम और... रिस्क है ना बहुत हाई रिस्क है तो कहां से पहुंचे थोड़ा खाना थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा सा जीप का टेस्ट और थोड़ा सा अपनी मर्जी से लेट नाइट टू बेड लेट टू बेड लेट टू राइज चले वहां से थे और कहा नहीं पहुंच गए कहा तो ये तो हो गया फिर फिर इसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्योंकि जो हमारा जो फैट है जो बॉडी में फैट फै, जो फैटी सेल्स हैं एडिपोल्स सेल्स हैं वो कुछ ऐसे हारमोन बनाती है जो हारमोन ऐसे निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं हमारी स्किन स्किन डिजीज पैदा कर देते हैं सोरेस पैदा कर देंगे और भी कई तरह की स्किन डिजीज पैदा हो जाएंगे और हमारे अंदर वो जो जो ये जो जब ये ऐसे वो हारमोन निकलते हैं जो जिनको लेप्टिन कहते हैं लेप्टिन और एडिप एडि, 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 एडिप एडिपोकंस एडिप, 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 कहते हैं तो वो हमारे बॉडी पर एक अलग तरह से डैमेज करती हैं जो जगह जगह हमारी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं सूजन पैदा करेंगे हमारी आंतों का डाइजेशन खराब कर देती हैं तो हमारी एक दूसरा जो जैसे वेट बढ़ता है बॉडी में तो क्या होता है हमारा जी एसिडिटी जो है ना क्योंकि पेट मोटा हो जाता है पेट मोटा होने से क्या हो दो प्रॉब्लम्स एक तो आपको सांस लंग्स में पूरा ऑक्सीजन नहीं जाएगी mm -hmm. और उसका बैक प्रेशर से क्या होगा आपको अपने सिंड्रोम। रात को स्नोरिंग okay. कहते जी, जी, हैं तो नींद में ही मतलब आपका सांस रुक जाता है राइट फिर आपको मशीन से सांस लेना पड़ता है आज आजकल आपने देखा होगा लोग अपने साथ मशीन सांस के लेके चलते हैं और ट्रेन में भी रंगानी पड़ती है और कहीं जाए वो यूज़ करनी सी पैप मशीन यूज़ करनी पड़ती है तो एक बड़ी समस्या ये वाली हो जाती है अपसेट से नहीं पर नहीं है। फिर जी आर डी गैस ट्री से हाइटस हर नहीं है क्योंकि पेट फ्लाई भी हो गया डायफ्राम ठीक से काम डायफ्राम पर भी रिलैक्सेशन आ गई और वो डाइफ्राम ठीक से बंद नहीं होता जो खाने की नाली है वो जिसका हाइटस होता है वो लूज़ हो जाता है तो अब पेट का स्टमक का कुछ हिस्सा अंदर में छाती में चला जाता है, okay. तो, हाँ नहीं हो जाता है। तो 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 हाइट नहीं जाता, बहुत तकलीफ देता है, right? तो है है, राइट? पेंडोरा ऑफ प्रॉब्लम्स ना? नहीं, एक सारे बीमारियों को इकट्ठा बुला सकता है। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं शायद जो नहीं आए से पेंडोरा पर फर्क पड़ता है जो भी हो जाते हैं ना hmm. तो हमारी ब्लड फ्लो टू द ब्रेन रिड्यूसेस है ना और एल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया हो जाता है वेस्कुलर डिमेंशिया एज वेल एज एल्जाइमर्स मेमोरी की लॉस होने लगता है अच्छा ये हमारी अर्ली अर्ली ऑनसेट शुरू हो जाता है राइट जल्दी hmm. शुरू हो जाएगा पर सारी बोन्स का ऑस्ट्रियोपोर बिकॉज कॉर्टिस बढ़ रहा है ऑस्ट्रोपोरोसेस hmm. शुरू हो जाएगा हड्डियाँ सारी खोखली लेनी शुरू हो जाती हैं और वेट बढ़ रहा है ऑस्ट्रो नी ज्वाइंट खराब होने शुरू हो जाएंगे राइट बैक 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 में पेन आना शुरू हो जाएगा बैक में लंबर स्पोंडोसिस हो जाएगा गर्दन पे सर्वाइकल स्पोंडोसिस हो जाएगा तो एक हमारा पूरा जैसे ये सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ आया साथ में तो आंखें डैमेज होने शुरू हो गई आँखों में ना हमारे क्या हुआ आंखों में हमारी रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है रेटिनल हेमरेज हो जाते हैं दिखाई देना बंद हो जाएगा जी, जी, जी। और साथ में कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया काला मोतिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यू नेम ए डिजीज़ कौन सी बीमारी डायबिटीज इस मोटापे से नहीं होती है मतलब तो आपको फिर डिप्रेशन मैंने बताया डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि आपको कट ज़्यादा बढ़ी हुए डिप्रेशन हो जाएगा होपलेसनेस की फीलिंग आएगी तो ये जो है एक पूरा सिस्टम पूरा यहाँ से लेके इवन आपके थायरय पर भी असर पड़ सकता है और भी आपके जो दूसरे हारमोनल ग्लैंड हैं आपकी जो है जो मेल फीमेल ग्रैंड उसके फंक्शन पे असर पड़ता है वो सारे उनका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है और ट्यूमर्स कैंसर्स अच्छा जो मोटे मोटे होते हैं कैंसर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंसोफेगस का कैंसर सांस की ना, ग्रास नाली का कैंसर आपका पेट का कैंसर पेनक्रिया का कैंसर इंटेस्टनल कैंसर फिर आपकी यूट्रस का कैंसर ओवरी का कैंसर कई गुना बढ़ जाते हैं मतलब ये जो प्रॉब्लम है मोटापा एक बहुत ही बड़ी समस्या है और मैंने बताया लगभग फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होती है बच्चे भी अभी, अभी, एक, अभी एक अभी एक अभी एक सर्वे आया था एडल्ट का उसमें बताया कि फोर्टी सेवन परसेंट पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है और बच्चे भी नाइनटीन पॉइंट टू परसेंट बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं बच्चे।, तो बच्चे मतलब ओबिसिटी से तो ये बीमारी एक बड़ी भेवहही बीमारी है देखने में नज़र नहीं आ रही है बहुत बड़ी जी जी हम इसको एज बोलते हैं हेल्दी आई हाँ, एम ये बच्चा बहुत हेल्दी हो गया है मतलब उसको हम हेल्दी हेल्दी के रूप में परिभाषित कर रहे हैं जी। बीमारी के रूप में परिभाषित नहीं कर रहे हैं मोटापा को लोग ए, एक एक प्र, प्रॉस्पेरिटी प्र, प्र, का साइंस समझते हैं जो गलत अवेयरनेस की इतनी कमी हो गई है ना कौन सी बीमारी है कौन सा प्... मतलब मुझे ही? आप देख कोई भी सिस्टम लंग्स की डिजीज है ना लंग्स की डिजीज भी इससे हो रही है जी। तो ये एक पूरा सिस्टम मतलब आप बताएं तो किडनी लिवर लंग्स देखिए आप ब्रेन से लीजिए ब्रेन पांचों सेंसेस में प्रॉब्लम है ना आँख में भी प्रॉब्लम नाक में भी प्रॉब्लम कान में भी प्रॉब्लम मुख में भी प्रॉब्लम है ना फिर आपका इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज इन्फिलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है आपके हार्ट फिर के हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है लंग्स पे इफेक्ट आ रहा है आपका लीवर में फर्क पड़ रहा है पूरी आंतों में असर पड़ रहा है और क्या ये हारमोन्स पर असर पड़ रहा है पूरी हार्मोनल ग्लैंड्स पे असर पड़ रहा है आपकी नींद ख़राब हो रही है आपकी मेल फीमेल की ख़राब हो रही हैं और फिर क्या किडनी खराब हो रही है और क्या चाहिए डॉक्टर साहब हमने तो समझा कि मोटापा क्या है एक्चुअली और वो जब आता है तब शरीर में कितने प्रकार के वैराइटीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं शरीर में तो ऐसे कौन कौन सी बातें मतलब अगर आप थोड़ा सा हमको गाइड कर दे और अच्छे से हम ताकि उन बातों का अगर ध्यान रखेंगे जिस वजह से मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है तो वो कौन से आ, ऐसे हैं देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आज के समय में है वो फास्ट एंड जंक फूड है खड़े खड़े खा लेना चमाना भी नहीं है बड़ा कारण तो ये मतलब तो जो फास्ट फूड है उसमें हर चीज़ में कैलोरीज है hmm. और स्पेशली जो शुगर और फैट हाई फैट हाई शुगर फूड है वो खा, जीप को अच्छा रिवार्ड सेंटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं hmm. वो खाना अच्छा लगता है उससे थोड़ा वी फील सेटिस्फाइड संतुष्ट लगता है hmm. तो hmm. वो एक बड़ा कारण है मतलब ये हमारे समाज में दूसरा हमारी जो हम खाना चबाने जल्दी में रहते हैं ना खाना hmm. चबाते, चबाते नहीं, नहीं।, नहीं। हमारे स्टमक की कैपेसिटी लगभग तीन सौ एम है तीन सौ ग्राम है अगर हम अच्छे से चबाएँ तो सौ ग्राम खाना दो सौ ग्राम जूस लार तो हमारा पेट भर जाएगा अगर हम बीच में जल्दी जल्दी खाएं थोड़ा सा मॉडरेटली खाएं तो डेढ़ सौ ग्राम खाना खाएंगे डेढ़ सौ डेढ़ सौ ग्राम जूस निकलेगा हाँ। आ, तो अगर हम और जल्दी खाएं प्रेशर में खाएंगे दो सौ ग्राम खाना, खाना खा लेंगे तो सौ ग्राम जूस निकलेगा राइट और भी तेज खाएं तो ढाई सौ ग्राम खाना पचास ग्राम तो हम जो एक्स्ट्रा खाया डेढ़ ग्राम तो वो क्या करेगा बॉडी में जमा होगा राइट बिकॉज लैक ऑफ टाइम दैट इज़ अदर थिंग सेकेंड जो चीज़ है वो है जो आज आज के समाज में से आदमी इंसान लोनलीनेस लोनलीनेस महसूस कर रहा है बोर्डम है ना hmm. अकेलापन है जी. आज लोगों की इंटरेक्शन नहीं है वेंटिलेशन नहीं है आपस में लोग बात नहीं करते हैं आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं hmm. एक टेंडेंसी हो गई है हर आदमी अपने आप में ही रहना चाहता है अगर पति पत्नी भी बैठें माँ बाप बच्चे भी बैठें तो वो आपस में बात नहीं करते hmm. मोबाइल में लगे रहते हैं See, तो ये बहुत बड़ा कारण है तो एक जिसके कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग अंदर से बोर्डम और उसको हम कहाँ कर रहे हैं उसको हम फिर फूड में मूड डिसाइड्स अवर फूड अगर हम मूड में मूड हमारा टेंशन में है हम मूड रॉन्ग मूड है तो रॉन्ग फूड खाएंगे अगर हम बिटरनेस महसूस कर रहे हैं hmm. तो विल गो फॉर स्वीट्स हम ड्राई महसूस कर रहे हैं मन में तो विल गो फॉर फ्राइड फूड ऐसे सौ से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं अगर हम बोरिंग महसूस कर रहे हैं hmm. तो हम लोग विल गो फॉर हॉट एंड स्पाइसी फूड राइट तो डिफरेंट मूड्स में डिफरेंट फूड खाते हैं भले ही हमें डायबिटीज़ हो भले डॉक्टर ने हमें ब्लड प्रेशर की दवाई खाने खा ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो भी हम हॉट एंड स्पाइसी खाएंगे डॉक्टर बेश कोई एसिड अल्सर भी बन गया तो भी हॉट एंड स्पाइसी खाएंगे एक बात मैं पूछना चाहूंगी लड़कियों में अक्सर जो वो टेंडेंसी होती है कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में जैसे मेल्स में भी कुछ होते हैं फीमेल्स में भी होते हैं तो उनको कुछ ऐसे क्रेविंग होती है फूड की गलत फूड खाने की जैसे कुछ को जैसे कई लोगों को गोलगप्पे खाने चटपटी पापड़ी खानी है ना मतलब ऐसे वैसे फूड खाने की इच्छा पैदा होती है कुछ हारमोल अंदर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा खाने की इच्छा होती है जब हारमोनल चेंजेस होते हैं, होते हैं। okay. फिर हमारे जो फूड्स हैं क्योंकि हर शुगर हर चीज़ में है हर चीज़ में फैट है जो भी खाओगे उसमें होगा एक सिंपल फार्मूला हमारे भाई बहने याद कर लें कि एनी फूड विदाउट फाइबर इज अ पॉइजन एनी फूड विदाउट फाइबर ऐसा फूड मत खाओ अगर आप चाहते हैं मोटे ना हो तो जिसमें फाइबर ना हो क्योंकि हर फूड ऐसा जैसे चीनी है कोई hmm. फाइबर नहीं है राइट yes. right? मैदा है फाइबर hmm. बहुत थोड़ा सा नाम मात्र hmm. तो एक्चुअली फाइबर इन द फूड शुड बी टू थर्ड एंड वन थर्ड शुड बी फूड दो तिहाई हिस्सा फाइबर होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द फूड इज क्लीनिंग चौबीस फुट लंबी आंत है पहले आंतों की सफाई करने का सिस्टम होना चाहिए फिर नरिशमेंट होनी चाहिए तो हमारा कोई भी ऐसा फूड ना खाएं जो टू थर्ड फाइबर फिर चौथी जो बात है वो है हमारे कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हमें जी, जी बिल्कुल मतलब ऐसे कई दवाइयाँ हम ले लेते दूसरे बीमारी को ठीक करने के लिए लेकिन वो वो दवाइयाँ लेने के वजह से मोटापा आ जाता है यस जैसे कि जैसे काफी लोग काफी बच्चों को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के दौरे सीजर्स पड़ते हैं जी 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 मोस्ट ऑफ दीजर मेडिकेशन जो एपिलेप्सी मिर्गी के द्वारों के लिए दवाइयां उनसे वेट बढ़ता है राइट अगर हम स्टीरोड खा रहे हैं तो वेट बढ़ता है हाँ अगर हम डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं एंटी हमें डिप्रेशन रहता है उससे वेट बढ़ता है फिर हम जो है कुछ दवाइया जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं ब्लड प्रेशर के लिए खाते हैं हार्ट के लिए भी खाते हैं एनजाइटी के लिए भी खाते हैं कई बार बीटा ब्लॉकर्स खाते हैं तो उनसे भी वेट बढ़ता है थी। 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 तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो दवाई खाने से हमें हमें पता रहे कि ये दवाइयाँ हमको हमारा वेट बढ़ेगा इनकी वजह से तो वी शुड बी केयरफुल तो मतलब ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की भी दवाई बढ़ती जाए दवाई बढ़ती जाए उसकी वजह हम लाइफ को परिवर्तन करें ना अगर डायबिटीज़ की दवाइयाँ उनसे भी वेट बढ़ता है hmm. तो हमें देखना कि हमारी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं और ऐसी बीमारियाँ हैं कि उनको हम क्योंकि हम खाली दवाई से कंट्रोल करना चाहते हैं अगर हम साथ में अगर उसके साथ साथ हम उसको वो भी कर लें लाइफ यूज़ कर लें हमारी दवाइयों की संख्या आधी हो सकती है ना डोज आधी हो सकती है ना या छोड़ भी सकते हैं ना साथ में मेडिटेशन भी जोड़ दें तो दवाइयाँ हट जाएंगी ओके तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमें सचमुच में मोटापे से ये मोटापे मुट, के मुख्य मुख्य कारण जैसे कहें ना वो है जो कि हमें देखने चाहिए एक सबसे एक एक और एक एको कारण टेलीविज़न टेलीविज़न और मोबाइल ये एक बहुत बड़े कारण है आज कि आज के समय में जो कुछ साल पहले नहीं थे पचास साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे और मोबाइल बीस साल से ऐड हो गया तो एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का क्योंकि हम घंटों बिता देते हैं टेलीविजन को देखते हुए जी 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 कोई फिजिकल एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं? नहीं करते हम लगातार दो तीन चार घंटे जो कहते हैं हमें टाइम नहीं है सांस लेने का हमें मरने की फुर्सत नहीं है वो भी टेलीविजन के सामने बैठ के तीन तीन चार छः घंटे वेस्ट करते हैं और फिर साथ साथ खाली बैठे नहीं रहते हैं खाते भी रहते हैं है ना? कोई मैच आ रहा होगा या कोई फिल्म आ रही है साथ में खाते भी रहेंगे और खाते क्या है वो एक फास्ट एंड जंक फूड खाते हैं तो वो एक बड़ा कारण हो जाता है और इससे मोबाइल भी इस तरह से है कि मोबाइल में घंटों लोग तो रात को बारह एक बजे दो बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं पहले, मुझे पहले मुझे नहीं होते थे बच्चे लोग बाहर, बाहर खेलने जाते थे।, कर... थे और यार अभी तो मोबाइल में, गेंग में इंडोर गेम्स भी छोड़ो मोबाइल गेम्स में लगे रहते हैं आ, तो बस एक ये सब मुख्य मुख्य जो है आज के समाज में मुख्य कारण है जिसको हमें अगर चाहते हैं हम टापा ओबेसिटी से मुक्ति पाएं तो इन कारणों से मुक्ति पाएंगे तो हम तभी आगे इससे मुक्ति पा पाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि मोटापा क्या है किन किन वजहों की वजह से आ, मतलब कौन से वो कारण हैं जिस वजह से मोटापा होता है लेकिन अभी सबसे बड़ बड़ी बात जो है वो है इसका समाधान कैसे किया जाए वो हम जानेंगे लेकिन अगले एपिसोड में आज समय समाप्त हो गया है इसलिए एपिसोड को इधर ही खत्म करना पड़ेगा लेकिन आपका तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया थैंक यू दोस्तों मोटापा हो या कई और बीमारियां, जब भी कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है तो हम बहुत कॉन्शियस uh, हो तो जाते हैं लेकिन कई बार कॉन्शियस होते होते तो बहुत देर हो जाती है तो इससे पहले कि देर हो जाए और मोटापा जैसी बीमारियां हम आ, हमारे जो परमायु है उसको कम करते इससे पहले ही हम उसके रेमेडीज़ जान लेंगे और थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ लाइफ को जिएंगे अपनी लाइफ को अच्छी रखेंगे तो फिर ज़रूर हम ऐसे कई सारे बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं और रह सकते हैं फिट एंड फाइन और ऐसे कई सारे मुद्दों को हम उठाएंगे समस्याओं का समाधान देंगे तो देखना नहीं भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन आज यहीं पर समाप्त करते हैं ओम शांति नमस्कार